सो हेलो गाइज, फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमाशा प्रो एप्लीकेशन से पैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपके सामने लाइव प्रूफ के साथ ट्रांसफर करके दिखाएंगे। सो मिक्सर के वीडियो को शुरू से नृत्य देखते रहिए और गाइज अभी तक सुबह GPS चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले आपको करना क्या है, तमाशा प्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। सो गाइस, इस एप्लीकेशन में आप लोग जैसे कि गेम्स को प्ले करके अर्निंग कर सकते हैं, जो कि गाइस इस एप्लीकेशन में आपको लूडो गेम्स भी मिल जाता है, लूडो गेम्स को प्ले करके भी अर्निंग कर सकते हैं। सो दोस्तों, मैंने जैसे कि देख सकते हैं जो कि यहाँ पर कुछ जो कि मैंने गेम्स को प्ले करके अर्निंग किए हैं, इसको गाइस यहाँ पर मैं लाइव आपके सामने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके दिखाएंगे। सो गाइस, सबसे पहले आपको करना क्या है, नीचे साइड में आपको 5 ऑप्शन जो मिल रहा है, ठीक है, सबसे लास्ट में आपको प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। सो गाइस, जरा यहाँ पर जैसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जैसे कि देख सकते हैं माई वॉलेट का, ठीक है, सिंपली आपको माई वॉलेट वाला सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। सो गाइस, जरा जैसे आप लोग माई वॉलेट वाला पर क्लिक कीजिएगा, आपका पूरा का पूरा आपका जो कि वॉलेट यहाँ पर शो हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं बता दूँ कि यहाँ पर जैसे कि देखते हैं मेरा पूरा का पूरा कैश जैसे कि 18 रुपये जो कि यहाँ पर पड़ा हुआ है, और दोस्तों जैसे कि आपका विनिंग बैलेंस में जो पैसा रहेगा उसी पैसे को आप लोग विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, सिंपली आपको करना है कि जैसे कि मेरे वॉलेट में आप जो कि पूरा का पूरा बैलेंस जो कि यहाँ पर विनिंग में है, सिंपली गाइस यहाँ पर आप लोग को एक ऑप्शन मिलता है जैसे कि विड्रॉ का, ठीक है, सिंपली गाइस आपको विड्रॉ वाला सेक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे क्लिक कीजिएगा गाइस, आपके सामने इस इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर इंटर अमाउंट का ऑप्शन आ रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट ऐड करना होगा, जैसे कि देखते हैं आपको हो सकता है पहले KYC करने के लिए बताएगा, तो दोस्तों आधार से आप लोगों को KYC कर लेना, ठीक है, उसके बाद ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, सिंपली आपको यहाँ पर जैसे कि बैंक ट्रांसफर का जो ऑप्शन आ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर एक बैंक डिटेल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ऐड बैंक डिटेल, यहाँ पर क्लिक करना है। सो दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको डिटेल देना होगा, जैसे कि देखते हैं यहाँ पर अपना नेम दे देना है, अकाउंट नंबर जैसे कि दे देना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को वही अकाउंट नंबर को दोबारा टाइप करना है, एंड का IFSC कोड, जैसे कि आप लोग मैं बता दूं कि आप लोग पेटीएम पेमेंट बैंक भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं फटाक से ऐड कर लेता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं मैंने पूरा का पूरा मैंने डिटेल दे दिए हैं, उसके बाद नीचे साइड में एक ऑप्शन आएगा वेरीफाई एंड विड्रॉ, ठीक है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। सो दोस्तों, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद आपके इस तरह से बैंक अकाउंट जैसे कि सक्सेसफुली एडेड आ जाएगा, ठीक ना, लिखा हुआ। तो दोस्तों आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद गाइस आपके सामने यहाँ पर इंटर अमाउंट में जैसे कि देख सकते हैं आपका जो भी अमाउंट इसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऑल का, अगर पूरा बैलेंस को विड्रॉ करना चाहता है तो ऑल वाला सेक्शन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसे मैंने ऑल कर दिया, मेरा अमाउंट जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पर टला गया, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको बैंक अकाउंट वाला, सिंपली इस पर टिक लगाना है। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि देखते मेरा 50 पैसा जो कि ट्रांजेक्शन फी काटा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे से में प्रोसीड का ऑप्शन मिल जाएगा। सो दोस्तों, जैसे कि देखते हैं यहाँ पर मेरा विड्रॉ, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, तुरंत ही तुरंत मेरा विड्रॉ जैसे कि सक्सेसफुली हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके सामने इसे कट करता हूँ, एंड का यहाँ पर जैसे कि देखते हैं यहाँ पर सिंपली यहाँ से मैं बैक आता हूँ। उसके बाद जैसे सिंपली यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन हिस्ट्री मिलता है, ठीक है, इस पर मैंने जैसे क्लिक कर दिया। तो दोस्तों, जैसे कि देखते हैं अभी मेरा विड्रॉ जैसे कि पेंडिंग में पड़ा हुआ है। सो दोस्तों, मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपके सामने वेट करते हैं, जैसे कि देखते हैं मेरे को 70 रुपया 50 पैसे जो कि रिसीव हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि देखते मैंने थोड़ा सा मैंने वेट किया, मेरा विड्रॉ जैसे कि यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है, जो कि कहा यहाँ पर जैसे कि पेंडिंग लिखा हुआ तो वहाँ से जैसे कि हट चुका, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपके सामने लाइव अपना पेटीएम पेमेंट बैंक को ओपन करता हूँ, एंड का जहाँ से मैं लाइव आपको दिखा देते हैं। सो फाइनली, जैसे कि देखते मैंने अपना पेटीएम को ओपन कर लिए हैं, बैलेंस एंड हिस्ट्री वाला सेक्शन पर मैं आपके सामने क्लिक करता हूँ। सो गाइस, जरा यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेगा, जैसे कि देख सकते मैं लोडिंग लेने देते हैं। सो गाइस, जरा यहाँ पर लोडिंग लेने के बाद जैसे कि देख सकते मेरे को तुरंत के तुरंत जैसे कि यहाँ पर 70 रुपये का कैशबैक जो कि रिसीव हो चुका है, आप लोग पूरा का पूरा जैसे कि देख सकते हैं 2:53 में, ठीक ना, सिंपली इस पर मैं क्लिक जैसे कर दिए। तो दोस्तों, जैसे कि देख सकते यहाँ पर आपको एप्लीकेशन का नाम भी शो करता होगा, आप लोग ध्यान से आप लोग जैसे कि देख सकते हैं तमाशा वॉलेट विड्रॉवल, जैसे कि देख सकते हैं 1 रुपये मेरा ट्रांजेक्शन मतलब चार्ज जो कि काट लिया, 50 पैसा लिख करके 1 रुपया जो कि काट लिया, ठीक है। तो दोस्तों, मेरे को 70 रुपये का कैशबैक रिसीव हो चुका है। सो दोस्तों, इसमें आप लोगों को 2 मिनट के अंदर जो कि कैशबैक रिसीव हो जाता है, जैसे कि मैंने आपके सामने लाइव मैंने विड्रो लगाए, एंड गाइस यहां पर मैं लाइव आपके सामने पेमेंट प्रूफ जो करके यहां पर रिसीव करके भी मतलब जो कि दिखा दिया, ठीक है। इसमें गाइस आपको 5 मिनट का हद से ज्यादा आपको 5 से 10 मिनट लेगा, नहीं तो दोस्तों इसमें आपको 1 से 2 मिनट में ही आपको पेमेंट रिसीव हो जाता है। सो गाइस, उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।